नमस्कार दोस्तों, क्या इनकम टैक्स साइट पर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है? यदि नहीं है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपका इनकम टैक्स का रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप चेक करें कि अपना आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं, और यदि नहीं आपको कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करना है, वैलिडेट करना है, तो कैसे करना है उसकी प्रोसेस को आज हम समझेंगे। सबसे पहले आप इनकम टैक्स साइट ओपन कर लें, incometax.gov.in। यहाँ पर आने के बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देकर आप लॉग इन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट दिखेगा, इसके सामने अपडेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दें। अब देखिए, पहले तो यदि आपके बैंक अकाउंट एड है तो आप पहले यहाँ एडेड बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसमें आप ये देख ले कि यहाँ पे देखिए आपका वैलिडेटेड आ रहा है और साथ में एलिजिबल फॉर रिफंड भी लिखा हुआ आ रहा है। मतलब आपका एक बैंक अकाउंट वैलिडेट, कम से कम एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए, उसी में आपका रिफंड भी आएगा। तो यहाँ पर वैलिडेट है। अब मान लीजिए वैलिडेट नहीं है और कैसे हमको नया बैंक अकाउंट एड करना है वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर साइड में एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देना है। सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर, फिर उसी बैंक अकाउंट को नंबर को री एंटर करके अकाउंट टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि सेविंग है, करंट है, जो सब जैसा अकाउंट है वो सिलेक्ट आप यहाँ पर कर लें। उसके बाद अकाउंट होल्डर टाइप में आप प्राइमरी होल्डर है उसके या ज्वाइंट होल्डर है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर इंटर कर दें। आपका बैंक अकाउंट तभी वैलिडेट होगा जबकि आपका पैन नंबर और आपका नाम दोनों जगह पर सेम हो। जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ वही नाम आपका बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए और आपका पैन नंबर होना चाहिए, तभी आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होगा। हाँ, यदि आपका मेल आईडी या मोबाइल नंबर अलग अलग होंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यहाँ पर हम डिटेल देने के बाद आप देखिए, जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे तो उसके नीचे आपके बैंक का नाम और ब्रांच नेम अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, यदि देखिए आपको कम से कम एक अकाउंट आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना होता है तो क्या आप इसी अकाउंट को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। यदि आप एक से ज़्यादा अकाउंट है तो जिसको भी आप करना चाहते हैं नॉमिनेट उसको यस कर दे, बाकी को आप नो कर दे। उसके बाद आप यहाँ देखिए, आपके नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखेगी। ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये आपके इनकम टैक्स पे अपडेट है, तो ये जो मोबाइल नंबर है इसी पर आपके पास एक OTP आएगा। यदि अच्छा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बैंक में जरूरी नहीं है कि यही मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका हो, अगर नहीं भी होगा तो भी आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा और आपके पास रिफंड आ जाएगा। चलिए, अब हम इसको वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। आपके जो मोबाइल नंबर था उस पर एक OTP आई होगी, उस OTP को इंटर कर दें। किसी भी कारण से आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पाता है तो फेल्ड बैंक अकाउंट्स में वो शो करेगा, और यदि हो जाता है तो वहाँ एडेड बैंक अकाउंट्स में वो दिखेगा। एडेड बैंक अकाउंट्स में जाकर आप देखिए, बस ये दो जो आपके हैं बस ये ग्रीन टिक होने चाहिए, बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। इसके अलावा यदि और भी कुछ रहते हैं, जैसे आपका मेल आईडी मैच नहीं हो रहा है या आपका नंबर मोबाइल नंबर मैच नहीं हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये दोनों पे आपके ग्रीन टिक होने चाहिए। यदि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पाता है तो आप अपने बैंक में जाएं, वहाँ पर अपना पैन नंबर सही करवाएं और उसके बाद फिर से आकर यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पर जाके आपको रीवैलिडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे जाके आप वापस से वैलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको कम से कम एक बैंक अकाउंट तो आपका वैलिडेट होना ही चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।